Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the third part of the COP and the Anthem, chapter 4 of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. So let's get started. इससे पहले आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा और समझा होगा कि फर्स्ट पार्ट में सोपी जो एक भिखारी था उसने अपने ठंडे के दिन बिताने के लिए ठंडी के टाइम को बिताने के लिए ब्लैक वेल्स आइलैंड के हैं जाने का उसने डिसीजन लिया। और सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा कि कैसे कैसे उसने जेल में ब्लैक वेल्स आइलैंड के जेल में जाने की कैसे कैसे उसने कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हुई। ठीक है कि एक रेस्टोरेंट में गया बड़े वाले वहाँ वहाँ उसने क्या शीशा फोड़ दिया फिर भी क्या है सोचा कि पुलिस पकड़ करके लेके जाएगी और उसको जेल में भेज देगी लेकिन वहाँ भी क्या है उसको नाकामी हुई फेलियर हुई। और फिर उसके बाद क्या है एक और रेस्टोरेंट में गया लेकिन वहाँ भी उसको गार्ड ने उसे हटा दिया। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में गया वहाँ क्या है गार्ड ने और वेटर्स ने क्या है पकड़ के पीट दिया बाहर पटक दिया। ठीक है लेकिन उसको कहीं कामयाबी नहीं हुई अपने उस क्या है प्लान में। तो अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। ठीक है और अब वो एक थिएटर के पास आया तो देखा कि एक बड़े से थिएटर के पास और उसके सामने एक दूसरा पुलिस वाला खड़ा है। कॉप मीन्स पुलिस होता है अमेरिकन एक्सेंट में। ठीक है लैंग्वेज में ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई उसने कुछ और ट्राई करने का सोचा। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। ठीक है उसने ऐसे क्या है चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा पी लिया हो पियक्कड़ हो शराब वराब पी लिया। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट वो अपनी उतनी तेज़ आवाज़ निकाल रहा था जितनी तेज़ वो निकाल सकता था। ही डांस्ड ही क्राइड आउट वो नाच रहा था वो चिल्ला रहा था। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी और पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की तरफ कर ली। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम और उसी के पास खड़े हुए एक आदमी से कहा इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय ये उन एक कॉलेज के लड़कों में से है। ठीक है ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट हमें हमारे पास क्या उनको चिल्लाने देने का क्या ऑर्डर मिला है ये कुछ भी करें हम क्या है हमें कुछ नहीं करना है। सोपी वॉज क्वाइट अब सोपी क्या है खामोश हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम क्या वो सोच रहा था कि क्या कोई भी पुलिस उसको पकड़ने नहीं जा रहा है पकड़ने वाला नहीं है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार वो उस आइलैंड के बारे में ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में सोचने लगा कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो इतना दूर हो जितना कि कोई तारा होता है आसमान का। ठीक है ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम उसने अपनी पतली सी क्या है कोट को पहन लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड हवा बहुत तेज चल रही थी। देन ही सॉ ए मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर फिर उसने एक दुकान के अंदर आदमी को एक न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिहाइंड द डोर आदमी का छाता दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने अपने दरवाजे के पास छाता रख करके अंदर दुकान में न्यूज़पेपर खरीदने गया था। एंड वॉक्ड स्लोली अवे और क्या है अंदर धीरे धीरे क्या है वो उसके पास गया। द मैन फॉलोड हिम क्वाइटली उसका छाता ले करके क्या है वो धीरे सॉरी द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप टू द अम्ब्रेला सोपी ये दुकान के अंदर गया। स्टेप मतलब स्टेप मीन्स कदम होता है कदम बढ़ा कर गया अंदर गया उसने अम्ब्रेला लिया। एंड वॉकड अवे स्लोली और धीरे धीरे क्या है वो चल भाग गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड वो चिल्ला रहा था कि मेरा अम्ब्रेला है मेरा अम्ब्रेला ओ इज इट अच्छा ये तुम्हारा है सेड सोपी। सोपी ने कहा व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप तुम के पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टूक इट मैंने इसी ले लिया योर अम्ब्रेला तुम्हारा छाता मैंने ले लिया तो व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर एक पुलिस क्या है एक कोने में खड़ा हुआ है उस कोने पर खड़ा हुआ है उसको बुलाओ। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली आदमी और धीरे धीरे क्या है चला। सोपी डिड द सेम सोपी ने क्या है
वही बात कहता रहा, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन उसको अब लगने लगा था कि अब दोबारा नाकाम होने वाला है. द कॉप लुक्स एट द टू मैन, पुलिस ने दोनों आदमियों को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. अम्ब्रेला वाले, छाता वाले आदमी ने कहा कि मैं ये देखो, आपको पता है कि चीज़ें कैसे हो जाती हैं. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए. यानी उस आदमी ने कहा उससे कि अगर ये तुम्हारा है तो कोई बात नहीं, ले जाओ. मैं भूल गया था, शायद मुझे भूल हो गई कि मैं समझा कि क्या है, मेरा है लेकिन ये तुम्हारा है. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें बहुत मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, मैं बहुत दुखी हूँ. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. वो बोला कि क्या है, वो आदमी बोला कि ये वाला छाता तो मुझे इस रेस्टोरेंट में मिला था. इफ़ यू से इट्स योर्स, आई होप यू विल, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा है तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हारा है, तुम ले जाओ तब इसे, ठीक है. लेकिन सोपी की क्या है, जो प्लान था वो इस बार भी नाकाम होता हुआ लग रहा है. वो सोचा था कि इस आदमी का होगा, ये बुलाएगा, लेकिन वो आदमी बोल रहा है कि मैं तो इसे पाया था. चलो ठीक है, तुम्हारा है तो ले जाओ, ठीक है. इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस, ठीक है, अपनी आवाज में गुस्से से क्या है, चिल्लाते हुए रोते हुए क्या है, एकदम चिटक करके बोला कि ये मेरा है. झूठ जान रहा था कि क्या है, अब तो क्या हो गया, ये तो मेरा ही हो गया, झूठ मुड़ का नहीं था, फिर भी मेरा ही हो गया. द अम्ब्रेला मैन हरेड अवे. अब छाता वाला आदमी धीरे धीरे चला गया, जल्दी जल्दी चला गया. द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. पुलिस वाला क्या है, एक लेडी को रोड पार करने में हेल्प कर रहा था. सोफी वॉक इस ईस्ट, सोफी क्या है, ईस्ट की तरफ चला गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. वो चिटक गया था कि क्या है, मेरा नहीं था, फिर भी मेरे हाथ पड़ गया. उसने प्लान कुछ और था, कुछ और हो गया, ठीक है. हर विश उसकी क्या है, अगेंस्ट ही जा रही है, उसका प्लान उसी के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे सोच रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है. तो उसने छाता को गुस्से में इतनी दूर फेंका जितनी तेज, जितनी दूर उससे हो सकता था, एकदम तेज से फेंक दिया, झड़क दिया. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स. उसने अपने जी में क्या है, पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा था कि कैसे होते हैं, कमीने, समझते नहीं है. वॉट ही थॉट ऑफ देम, ठीक है, जो उनके बारे में सोचता था वो अपने जी में बकता रहता था. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था, पकड़ना चाहता था कि कोई उसको पकड़ करके ले जाए. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, ठीक है. और ये पुलिस वाले क्या है, ऐसे लग रहे थे जैसे उनका मानना है कि मैं एकदम राजा की तरह हूँ, जो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, ठीक है. तो मेरे ऊपर वो सोफी सोचता था कि क्या है, ये मेरे ऊपर कुछ बिलीव ही नहीं करता कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द वे, ऑन द साइड ऑफ द वे. आखिर में सोफी एक सन्नाटी गली में आ गया, सिटी के दूसरी तरफ. He turned here and began to walk south toward Madison Square. ठीक है, वो यहाँ पे मुड़ा और उसने फिर क्या है, Madison Square यानी चौराहे की तरफ उत्तर में जाने लगा, ठीक है, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने लगा. He was going home, although home was only a seat in a park. ठीक है, अब वो अपने घर वापस जा रहा था, भले ही उसका घर सिर्फ क्या था, एक पार्क के अंदर एक सीट थी, वही बैठ जाता था, ठीक है. तो अब वापस जा रहा, यानी अब सोच लिया कि मेरा प्लान फेल हो गया, मुझे यहीं रहना होगा. तो अब क्या होता है, देखिए. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड. लेकिन एक बिल्कुल शांत कोने में सोफी रुक गया. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना क्या है, बचपने का घर था. Through one window, he could see a soft light shining. एक window से वो एक soft light shining, मतलब नरम चमकीली light को देख पा रहा था, देख सकता था, ठीक है, बचपने में देखता था. That had been his living room, जो उसका living room था, where he had any वहीं से क्या है, window से वो देख रहा था अपने बचपने के कमरे को, जहाँ पे लाइट जल रही थी, और वही उसका लिविंग रूम भी था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पे उसने बहुत से खुशी के टाइम बिता रखे थे, ठीक है.
स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, मीठी मीठी म्यूजिक क्या है सोपी के कान में आ रही थी, एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उसको वहीं पे रोकता हुआ लग रही थी, रोक रही थी कि ये रुक जाओ सुनो अपनी म्यूजिक को, ठीक है। द मून वॉज अबव, चाँद क्या है बिल्कुल ऊपर आ चुका था, पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल शांत और चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पैसिंग, कुछ लोग क्या है गुजर रहे थे। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो चिड़ियों को अपने ऊपर ऊंचा उड़ता हुआ देख पा रहा था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और म्यूजिक जो रूम से आ रही थी वो वहीं पे सोफी को रोक ली। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो म्यूजिक वो बहुत दिनों से क्या है जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स, उन दिनों में उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे माँ थी, माँ प्यार करती थी, फ्लावर्स फूल थे, और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और दोस्त थे, और साफ़ सुथरी क्या है सोच और साफ़ सुथरे कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अब तो क्या है उसकी उसकी आत्मा क्या हो गई थी बिल्कुल एकदम अचानक सी बदल गई थी, ठीक है। अब वो सब कुछ पुरानी चीज़ें याद करने लगा था, अब वो भिखारी से कुछ और बनना चाह रहा था, एकदम शरीफ आदमी बनना चाह रहा था, ठीक है। सो मैंने बतलाया था एंथम जो उसके क्या है डिज़ायर को टू बी अ गुड नेचर्ड एंड गुड हार्टेड मैन, ठीक है, बनने की क्या जो डिज़ायर थी ख्वाहिश थी उसकी तरफ वो क्या कर रहा था इंडिकेट कर रहा था एंथम का वर्ड, ठीक है। तो अब उसकी क्या है बिल्कुल आत्मा बदल रही है, चेंज हो रही है कि अब मुझे कुछ और करना है, ठीक है। ही सॉ विद सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन, ठीक है, वो एकदम डर के सोच रहा था कि वो कैसे गिर गया है, मतलब अब पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, अब उसने क्या है अपने बेकार दिनों को समझ लिया, पहचान लिया। हिज रॉन्ग डिजायर्स, अपनी गलत ख्वाहिशों को पहचान लिया। हिज डेड होप्स, अपनी मुर्दा उम्मीदों को जान लिया। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, अपनी दिमाग का क्या है खोया हुआ, दिमाग की खोई हुई ताकत उसने देख ली, ठीक है, अब वो कुछ और बनना चाह रहा था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन द हिज सोल, और थोड़ी ही देर में यानी एक ही मिनट में उसके दिल ने उसकी आत्मा के चेंज को कहा जवाब दिया, ठीक है, कि तुम इतना चेंज क्यों हो गई हो, आंसर दिया, ठीक है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो उसने अपने दिल में ठान लिया, अपने उसके दिल ने उसकी आत्मा को ये समझा दिया कि नहीं अब तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करनी है, ठीक है, और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लड़ना है। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वो अपने आप को क्या है मट्टी से बाहर निकालेगा, ठीक है, यानी अब जो क्या है लाइफ गुजार रहा है पहले जैसी नहीं है, एकदम क्या कचरा गंदा भिखारियों की तरह रह रहा है, अब इस गंदी लाइफ से अपने आप को बाहर निकालेगा, ये मतलब है कचरे से बाहर निकालने का। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, अब वो खुद क्या है एक अच्छा आदमी बन जाएगा, ठीक है, ये उसने सोचा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, एक टाइम था जब वो बहुत जवान था। ही वुड फाइंड हिज ऑल पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो अपनी लाइफ का पुराना क्या है मकसद पा सकता था, ठीक है, और उसको फॉलो कर सकता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस क्या है मीठी मीठी म्यूजिक ने उसको चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो क्या है कोई काम तलाश करेगा, काम ढूंढेगा, अब ये जॉबलेस है और क्या है बिना काम के और बिना धंधा के नहीं घूमेगा, ठीक है, उसने सोच लिया। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, उस एक आदमी ने उसको एक बार क्या है जॉब दी थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, अब उसने सोचा कि कल उस आदमी को क्या है वो ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया के अंदर कोई आदमी बन जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा आदमी बन जाएगा। ही वुड, वो सोच रहा था कि वो बनेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी ये सोच रहा था तभी उसके हाथ में क्या है एक उसके बाहों में उसके अपने एक हाथ को फील किया कि कोई आदमी क्या उसको उसके हाथों को पकड़ रहा है। ही लुक्ड क्वाइट क्विकली अराउंड इनटू द बोर्ड फेस ऑफ अ कोप, ठीक है, उसने जल्दी से क्या है मुड़ करके एक ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉक, एक बड़े चेहरे वाले पुलिस को उसने देखा जब मुड़ा तो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग हेयर एज द कॉक,
ही वुड फाइंड सॉरी अब उस पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ठहर करके। पुलिस वाले ने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो। नथिंग सेड कॉप सोपी। सोपी ने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप। देखो अब वो कुछ और बनना चाह रहा है तो अब उसके उल्टे हो रहा है। ठीक है, पुलिस ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान लूंगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू। अपनी नई ताकत के साथ क्या सोफी ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और न्यूयॉर्क के पुलिस के साथ क्या बहस करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो उसने पुलिस आकर तो बहस करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, कम अलॉन्ग सेट द कॉप। पुलिस ने कहा कि मेरे साथ आओ। 3 मोमेंट्स प्रिजन 3 मंथ्स प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आईलैंड सेट द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या है, उसको जब वो नहीं चाह रहा था, वो अच्छा आदमी बनना चाह रहा था, तब उसके उल्टे हुआ क्या कि उसको अब 3 महीने की ब्लैकवेल आइलैंड के जहाँ पे वो जाना चाहता था पहले, वहाँ की जेल हो गई जज के थ्रू। जज ने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है ऐलान कर दिया कि 3 महीने की इसको बाहर घूमने की वजह से रात में क्या है इसको पनिशमेंट की जाती है और उसको जेल भेजा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर 4th The Cope and the Anthem Explanation. I hope you got it, enjoyed it, keep it up the goalie ahead of you.